मैं प्रिया आपके साथ। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की एक अदालत ने मंगलवार को राहुल गांधी, सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खिलाफ मानहानि मामले में सम्मन जारी किया है। दरअसल कर्नाटक भाजपा के सचिव एस केशव प्रसाद ने शिकायत की थी कि कांग्रेस ने विज्ञापनों में झूठे दावे किए हैं, जिनसे भाजपा की इमेज खराब हुई है। उन्होंने शिकायत में कहा, कांग्रेस ने चुनाव से पहले 5 मई को बड़े अखबारों में विज्ञापन दिए थे। इनमें कांग्रेस ने दावा किया गया था कि भाजपा सरकार 40% कमीशन लेती है और इसने पिछले 4 सालों में 1.5 लाख करोड़ लूटे हैं। कांग्रेस ने ये दावे आधारहीन, पूर्वाग्रही और मानहानि करने वाले हैं। बेंगलुरु के एडिशन चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ये सम्मन जारी किए हैं। कोर्ट ने मामले में आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत संज्ञान लिया है और शुरुआती बयान दर्ज करने के लिए 27 जुलाई की तारीख तय की है। ये स्पेशल कोर्ट मौजूदा और पूर्व सांसद विधायकों के क्रिमिनल मामलों को देखती है। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान में इस मुद्दे को प्रमुखता से उछाला था। राहुल गांधी ने एक रैली में कहा था, प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, तब उनके मंच पर चारों तरफ कर्नाटक के 40% कमीशन लेने वाले नेता खड़े रहते हैं। भाजपा को 40 नंबर अच्छा लगता है, इस बार आप लोग इनको 40 सीटें दीजिएगा। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।